गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की विज्ञान की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान में आज हम तंत्रिका एवं समन्वय वाले चैप्टर से हम बात करेंगे आज हम मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग, मानव मस्तिष्क की संरचना और मानव मस्तिष्क के कार्य, साथ ही साथ हम बात करेंगे मेरुरज्जु, उसकी संरचना और उसके कार्य क्या हैं, है ना। ठीक है, चलो बच्चों आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, हमने ये बात की थी बच्चों। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क अन्य सभी जंतुओं के मस्तिष्क से अत्यधिक विकसित होता है। मस्तिष्क का जो विकास होता है वो भ्रूण में एक्टोडर्म से उत्पन्न तंत्र की नाल के अग्र सिरे से होता है। हमने पिछली क्लास में बात की थी बेटा कि तंत्रिका तंत्र का विकास भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। एक औसत व्यक्ति के मस्तिष्क का भार जो होता है वो 1.4 किलोग्राम होता है। मस्तिष्क आप सभी जानते हैं, दिमाग जो हमारे सिर पे इस यहाँ पर उपस्थित है ना। और मस्तिष्क की आधारभूत इकाई कौन है, तंत्रिका तंत्र, जो हमने पूर्व की क्लासेस में अध्ययन किया हुआ है। तंत्रिका तंत्र हमारे नियंत्रण और समन्वय यानी हमारे शरीर के नियंत्रण की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यानी बहुत सारे न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र से मिलकर ही हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है। मानव मस्तिष्क में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका तंत्र होते हैं, जिनमें से केवल 15 बिलियन न्यूरॉन्स या तंत्रिका तंत्र ही सक्रिय होते हैं। बाकी जो शेष बिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सक्रिय नहीं होते हैं। सोचिए, 100 बिलियन में से केवल 15 बिलियन ही सक्रिय होते हैं। अगर हमारे सारे न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाएं तो मानव जो है वो सारी चीज़ें भी कर पाएगा जो आज हम कल्पना कर पा रहे हैं। यानी 15 बिलियन न्यूरॉन्स के माध्यम से आज मानव इतने सारे कार्य कर पा रहा है, तो 100 मिलियन न्यूरॉन जब सक्रिय होंगे तो सोचिए मानव क्या नहीं कर पाएगा। ये जो न्यूरॉन होते हैं, ये तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, वो 0 से लेकर 5 साल की अवस्था में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के 5 साल तक की अवस्था में ये न्यूरॉन सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। मानव मस्तिष्क जो है वो आपके, ये जो आपका सिर है, इस सिर में, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक हड्डी के कपाल में बंद है, जिसे हम क्रेनियम कह रहे हैं, जिसे हम कपाल भी कहते हैं या अंग्रेजी में क्रेनियम कहते हैं। यानी जो आपका मस्तिष्क है वो इस हड्डी के खोल यानी क्रेनियम के अंदर बंद होता है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों ये दिखाई दे रहा है आपको, बाहर की तरफ एक आउटर लेयर दिखाई दे रही है, देखिए, जो क्या दिखाई दे रहा है, कपाल या खोपड़ी। खोपड़ी आप सभी जानते हैं, है ना, उसके अंदर आपका जो मस्तिष्क है वो सुरक्षित होता है। मस्तिष्क के किनारे एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कि हम मेनिंजिस कहते हैं। यानी कि ये जो कपाल है, इस कपाल के नीचे यानी खोपड़ी के नीचे एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है। उस आवरण के अंदर आपका मस्तिष्क जो होता है वो सुरक्षित होता है। और इस मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली जो झिल्ली है उसे हम मेनिंजिस झिल्ली कहते हैं। ये जो मेनिंजिस झिल्ली है वो 3 स्तरों की बनी हुई होती है। इसमें से पहले स्तर को हम क्या कहते हैं, बाहरी स्तर को ड्यूरामेटर, मध्य स्तर को एरेक्नाइड और तीसरे स्तर को यानी आंतरिक स्तर को हम पायामीटर कहते हैं। इस चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा बच्चों, दिखाई दे रहा है, देखिए ये मानव मस्तिष्क है, जहां पर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मस्तिष्क के ऊपर आपको कपाल के अंदर झिल्ली दिखाई दे रही है। अब उस संरचना को इस चित्र में यहां पर बड़ा करके दिखाया गया है, तो देखिए आपको सबसे बाहर की तरफ ड्यूरामेटर दिख रहा है, दिख रहा है ये ड्यूरामेटर दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है सेकेंड लेयर जो है वो एरेक्नाइड दिखाई दे रही है और तीसरा आंतरिक जो परत है वो पायामीटर कहलाता है। ये जो पायामीटर होता है वो हमारे मस्तिष्क को फूड सप्लाई करता है। फूड मतलब हमारे मस्तिष्क का फूड क्या है, ऑक्सीजन। यानी पायामीटर जो होता है वो मस्तिष्क को फूड सप्लाई करता है, यानी क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ये जो मेनिंजिस झिल्ली है, इस मेनिंजिस झिल्ली में किसी भी कारण से सूजन आ जाने पर, अगर इस पे किसी भी कारण से किसी भी बाहरी आघात के कारण या चोट के कारण या किसी बीमारी के कारण इसमें अगर सूजन आ जाए, है ना, तो ये जो सूजन है उस सूजन के कारण एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, इसे हम दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों देखें, पीछे की तरफ चलकर देखें कि ये जो परत है उस परत के कितने भाग हैं। इस चित्र में देखेंगे आप तो ये आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है स्किन, स्किन के बाद आप देखेंगे तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिख रहा है स्कल, स्कल के बाद आपको पहला परत दिख रहा है ड्यूरामेटर, दूसरा परत दिख रहा है इकनाइट और तीसरा परत दे रहा है पियामेटर। तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है दूसरा वाला, इस चित्र में उन परतों को
स्पष्ट रूप से एक एक करके दिखाया गया है, ये स्किन वाला भाग है। चलिए अब आगे बढ़े। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार एक रोग है जो कि हमारे मेनिन्जेस झिल्ली में सूजन आ जाने के कारण होती है। अब बात करते हैं बच्चों कि मानव मस्तिष्क के आखिर कौन कौन से भाग हैं, मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ है। तो मानव मस्तिष्क के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है। यहाँ लिखा है फोर ब्रेन, यानी पहला जो भाग है वो कहलाता है अग्र मस्तिष्क, जिसे अंग्रेजी में हम फोरमेन भी कहते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं प्रोस इनसेफेलॉन भी कहते हैं। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों, इस पूरे चित्र में ऑरेंज रंग का जो बड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपको बहुत सारी दरारें दिखाई दे रही हैं, ये दरारें नुमा जो आपका भाग दिखाई दे रहा है, जो इस पूरे मस्तिष्क का लगभग सबसे बड़ा भाग है, ये भाग जो है वो अग्र मस्तिष्क कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हम फोर ब्रेन कह रहे हैं। फोर ब्रेन मतलब बच्चों आप देखिए आपके सिर का सामने का हिस्सा, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपका सामने का हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, फोर ब्रेन कहलाता है। फोर ब्रेन के बाद आपका जो मस्तिष्क का जो मुख्य हिस्सा है वो है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मतलब आपके सिर का बीच वाला हिस्सा है ना। अगर आप सिर को छू के देखेंगे तो ये है फोर ब्रेन, ये है आपका मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, जिसका कि आकार अग्र मस्तिष्क की तुलना में काफी छोटा दिखाई दे रहा है। इसे अंग्रेजी में हम मिससेफेलॉन भी कह रहे हैं, मिससेफेलॉन भी, इनसेफेलॉन भी कहा जा रहा है। उसके बाद आ जाइए तीसरा भाग जो है वो पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मतलब पीछे है ना, हिंड ब्रेन, जिसे अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं हम, रोम्बो इनसेफेलॉन भी कहते हैं। तो ये पश्चिम मस्तिष्क क्या है बेटा, ये हो गया आपका फोर ब्रेन, ये हो गया आपका मिड ब्रेन, और इसके पीछे की तरफ, जिस पीछे की तरफ जिसको आप चेथी कहते हैं है ना, लोकल बोलचाल की भाषा में आप लोग उसको चेथी कहते हैं, तो ये पीछे वाला जो भाग है आपका ये कहलाता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। और आपको चित्र में स्पष्ट रूप से यहाँ पे गुलाबी रंग से ये दिखाई दे रहा है, देखिए पश्चिम मस्तिष्क दिख रहा है आपको। ये जो पश्चिम मस्तिष्क है वो नीचे आकर एक डंडे नुमा संरचना से क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। ये डंडे नुमा संरचना क्या है, आगे जाकर के मेडुला से जुड़ जाती है ना, जिसे हम क्या कह रहे हैं कशेरुक दंड, मेडुला, मेडुला जाकर के जुड़ जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड से। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग थे मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो आइए बच्चों हम एक एक करके इन भागों को देखते हैं कि ये भाग क्या है और इनके क्या क्या काम है और इनके और कौन कौन से भाग हैं। तो अग्र मस्तिष्क, हम बात करते हैं पहले अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का पूरा दो तिहाई भाग होता है, दो तिहाई यानी सबसे बड़ा भाग होता है। इस बात को याद रखेंगे बच्चों, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, अग्र मस्तिष्क है ना। और सबसे ज्यादा न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र भी इसी में होते हैं, यह दो भागों से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क के पुनः दो भाग हैं, पहला है सेरिब्रम जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है डाइसेफेलॉन जिसे हम क्या कह रहे हैं, थैलमेनसेफेलॉन भी कहते हैं। अब इस डाइसेफेलॉन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, वो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो बच्चों आपको इस आरेख के माध्यम से, ये देखिए ये जो आरेख है, इस आरेख को आप ध्यान रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं। अभी हम इनके कार्यों को भी एक एक करके देखेंगे कि इनके क्या क्या कार्य हैं और इनकी संरचना कैसी है। अभी आप ये याद रखिए कि अग्र मस्तिष्क को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक है सेरिब्रम जिसे प्रमस्तिष्क कह रहे हैं हिंदी में, दूसरा है डाइसेफेलॉन जिसको पुनः दो भागों में बांटा गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो चलिए बच्चों इसके इसका चित्र भी देख लेते हैं। तो देखिए आपको सेरिब्रम दिखाई दे रहा है इस चित्र में। आपको मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जिसमें कि दरार नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। इस चित्र में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है सेरिब्रम है ना। फिर आ जाइए, तो प्रत्येक सेरिब्रम जो होता है वो गोलार्ध में तीन गहरी दरारें पाई जाती हैं। इसके गोलार्ध में यानी इस गोल नुमा संरचना में तीन गहरी दरारें पाई जाती हैं। देखो आपको ये पहली दरार दिखाई दे रही है, फिर ये दूसरी दरार दिखाई दे रही है ना। इन दरारों के कारण ये दरारों के कारण ही कुछ पालियों में या लोब्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये कौन कौन से लोब्स होते हैं, तो दरारों के कारण ये चार भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक भाग को हम कहते हैं फ्रंटल पॉली, दूसरा हम कहते हैं पेराइटल पॉली, तीसरे को हम कहते हैं टेम्पोरल, और चौथे को कहते हैं ऑक्सीपिटल। तो ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक क्या जाना कि अग्र मस्तिष्क का पहला भाग है सेरिब्रम। सेरिब्रम को पुनः दरारों की उपस्थिति के कारण चार भागों में बांट दिया गया, उसमें से पहला भाग है फ्रंटल, दूसरा पेराइटल, तीसरा टेम्पोरल और चौथा ऑक्सीपिटल। इनके क्या कार्य हैं हम अभी आगे स्लाइड्स में देखेंगे।
शरी भ्रम जो है वो किस चीज के लिए उत्तरदायी है? तो शरी भ्रम जो होता है वो बुद्धिमत्ता यानी बुद्धिमानी इंटेलिजेंसी के लिए, याददाश्त यानी मेमोरी के लिए, संवेदना यानी सेंसेशन के लिए, इच्छा शक्ति यानी जो आपके डिजायर्स हैं, और चिंतन, चिंतन यानी जो भी आप चिंता करते हैं, चिंता मतलब चिंतन करना यानी मनन करना, किसी चीज के बारे में सोचना कि कौन सा कार्य मुझे कैसे करना है, है ना। तो इन सब के लिए कौन उत्तरदायी है? सेरिब्रम उत्तरदायी है। बच्चों आपसे ये पूछा जाता है सेरिब्रम के कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हमने जैसे बात की थी कि कौन कौन से लोब्स पाए जाते हैं यानी पाली पाई जाती है, तो सेरिब्रम के पालियों को हम यहाँ स्पष्ट रूप से देखते हैं। पहला है आपका फ्रंटल लोब जो कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से। फ्रंटल लोब जो होता है वो मुख्य रूप से किस का नियंत्रण कर रहा है? ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियां जैसे कि बच्चे आप पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और पूर्व की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं उसे हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, है ना। तो ये फ्रंटल लोब जो होता है वो ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। दूसरा लोब जो है वो पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो है वो मुख्य रूप से स्पर्श यानी टच, दबाव यानी प्रेशर, दर्द आपको पता ही है पेन, है ना, और सेंसेशन यानी संवेदनाओं को ग्रहण करता है। उसके बाद आपका तीसरा जो लोब है वो है ऑक्सीपिटल लोब जो कि आपको इस चित्र में गुलाबी रंग से दिखाई दे रहा है, जो कि इसमें छोटा सा दिखाई दे रहा है, है ना। इस पूरे लोब को अगर देखेंगे तो इन चारों लोबों में सबसे छोटा लोब जो आपको दिख रहा है वो ऑक्सीपिटल लोब दिख रहा है, और ये ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करता है। दृश्य संवेदनाएं मतलब जो हम आंखों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, देख रही हैं, दृश्य संवेदनाएं उसको ग्रहण करता है। और जो आपका चौथा वाला भाग है लोब टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब जो होता है वो आपके यहाँ खोपड़ी में यहाँ पर उपस्थित होता है, और ये जो टेम्पोरल लोब होता है वो आपके सुनने की प्रक्रिया, है ना, इसको नियंत्रित करता है। चलिए बच्चों अब आ जाए सेरिब्रम जो है वो और क्या क्या काम करता है। तो ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का यह विश्लेषण एवं समन्वय होता है, ठीक है। यानी जो भी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, आप सभी को पता है हमारे शरीर में कौन कौन सी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, और इन ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से जो भी सूचना जो है वो पहुंचाई जाती है, उन सूचनाओं का विश्लेषण और समन्वय, विश्लेषण मतलब उसके बारे में विस्तारपूर्वक विश्लेषण करना कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या करना है, है ना। तो ये पूरा हुआ विश्लेषण, और उसका समन्वय यानी कि आगे उस उद्दीपन या उस प्रेरणा के लिए आगे हमारे शरीर में क्या क्रियाविधि होगी, इसका जो समन्वय होता है वो कौन करता है? सेरिब्रम करता है। तथा ऐच्छिक पेशियों को समुचित प्रतिक्रिया हेतु संवेदना प्रसारित करता है। मैंने आपको पीछे की पूर्व की क्लासेस में आपको बताया था, अगर हमें कांटा चुभ जाए, हम अगर चलते जा रहे हैं और चलते चलते अचानक हमारे पैरों में क्या चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, तो हम तुरंत वहाँ खड़े हो जाते हैं और हमारी जो हमारा जो हाथ है वो तुरंत क्या करता है, उस कांटे को हमारे पैरों से बाहर निकालता है। ये प्रक्रिया बहुत कम समय में हो जाती है, लेकिन ये हुई कैसे? तो ये पूरी प्रक्रिया होने में कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क का और हमारे मांसपेशियों का कहीं ना कहीं नियंत्रण और समन्वय दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? जैसे ही आपके से पैर में कांटा गड़ता है, वो कांटा चुभा, इस बात की सूचना तंत्रिका तंत्र के माध्यम से तुरंत आपके मस्तिष्क में पहुंचा दी जाती है, और मस्तिष्क इस सूचना का तुरंत विश्लेषण कर लेता है कि पैर के किस हिस्से में कांटा गड़ा है, और वो तुरंत आपके हाथ की मांसपेशियों को जो कि आपकी ऐच्छिक पेशियां हैं उनको क्या करता है? सूचना पहुंचा देता है कि आप उस कांटे को पैर से बाहर निकालिए। यानी सोचिए ये प्रक्रिया कितनी जल्दी त्वरित गति से हो जाती है, है ना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कहाँ कैसे हो रही है? तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के माध्यम से। तो सेरिब्रम जो है वो और क्या क्या कार्य करता है? तो सेरिब्रम जो होता है चेतना, बुद्धि जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंसी, स्मृति यानी याददाश्त, इच्छा शक्ति का केंद्र है, यह भावनाओं तथा वाणी पर भी नियंत्रण रखता है। भावनाओं मतलब जैसे कि आपने देखा है, भावना मतलब हम कई बार हम सुखी भी होते हैं, कई बार हम दुखी भी होते हैं, कई बार हम घृणा भी करते हैं, कई बार हम प्यार भी करते हैं, है ना। तो ये सब भावनाएं हैं, इन सब का नियंत्रण और बोलना यानी हमारी वाणी, हमारे शब्दों का जो नियंत्रण है वो भी सेरिब्रम के द्वारा होता है। सेरिब्रम और क्या कार्य करता है? तो यह हंसने रोने, है ना, हंसना और रोना भी हमारी भावनाओं का ही एक प्रकार है। हंसना रोना, मूत्र त्याग यानी मूत्र का विसर्जन आदि क्रियाओं को भी यह नियंत्रित करता है। साथ ही साथ सर्दी गर्मी स्पर्श, सर्दी गर्मी क्या हुए आपके? ताप से रिलेटेड हो गए, तापमान से संबंधित हो गए, और स्पर्श प्रकाश आदि के प्रति अनुक्रियाएं भी यहीं से प्रेरित होती हैं। यानी आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, तापमान आपको कैसा महसूस हो रहा है ना, संपर्क
और प्रकाश के प्रति यानी बहुत तेज प्रकाश में आंखों का बंद हो जाना है ना, ये सब जो है ये सारी अनुक्रियाएं जो होती हैं वो सेरिब्रम के माध्यम से ही प्रेरित होती हैं। सेरिब्रम जो होता है हमें हिसाब लगाने, सोचने समझने, भविष्य नियोजन तथा नई नई खोजें और नए आविष्कार की क्षमता प्रदान करता है। हिसाब लगाना मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा हिसाब लगाते ही हैं, बाहर मार्केट जाते हैं तो हिसाब लगाते हैं, कुछ खरीद कर लाते हैं तो हिसाब लगाते हैं, अगर हम दुकान में दुकानदार हैं और दुकान चला रहे हैं तो हम हिसाब लगाते हैं है ना, और अगर हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो भी हम हिसाब लगाते हैं। यानी हिसाब अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पे लगाया जाता है, यानी ये जो हिसाब लगाने का जो कार्य है वो सेरिब्रम के माध्यम से नियंत्रित हो रहा है। सोचने समझने, हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसको समझते हैं है ना, जैसे कि अभी मैं आपको समझा रही हूँ और आप उसको समझ रहे हैं, यानी समझने की प्रक्रिया। भविष्य नियोजन, भविष्य नियोजन यानी भविष्य में मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, किसी कार्य का संपादन किस तरह से किया जाए कि वो कार्य जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए, ये जो है वो भविष्य नियोजन में आएगा। साथ ही साथ नई नई खोज करना, जैसे कि आप बच्चे आप भी कई तरह की खोज करते रहते हैं, जैसे कि आप लोग कई प्रकार के विज्ञान से संबंधित मॉडलों, जो विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाने की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें आप सभी भाग लेते हैं, और जब आप भाग लेते हैं तो आप अपने परिवेश में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उसके अनुसार आप अपने मॉडल को बना पाते हैं, ये आपका आविष्कार कहलाता है ना। तो आप कहीं ना कहीं नई नई चीज़ों को खोजते हैं और नए नए आविष्कारों को भी कर पाते हैं। तो ये जो सारी क्षमता है वो कौन प्रदान करता है, सेरिब्रम के माध्यम से होता है। बच्चों ये आपको पूछा जाता है कि सेरिब्रम के कौन कौन से कार्य हैं। मस्तिष्क वाले पोर्शन में से आपको बड़े प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, जिसमें से एक होता है सेरिब्रम जिसके बारे में हमने देख लिया। अब दूसरा भाग है डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन जो है वो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आपको इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है डाइसेफेलॉन। तो डाइसेफेलॉन जो होता है वो सेरिब्रम के पीछे तथा कुछ नीचे की तरफ स्थित होता है ना, तो नीचे की तरफ स्थित होता है। और ये क्या होता है, इस भाग में पेनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि निकली होती है। देखिए आपको ये पेनियल ग्रंथि दिखाई दे रही है और ये आपको दिखाई दे रही है पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ दिखाई दे रही है, जैसे पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों निकली होती है। पीयूष ग्रंथि दिख रही है आपको और ये है पेनियल ग्रंथि है ना। तो ये जो है ये दोनों ग्रंथियां जो हैं वो आपके डाइसेफेलॉन के अंतर्गत आती हैं। तो ये देखिए ये आपका डाइसेफेलॉन वाला जो हिस्सा है वो इस चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो भाग हैं, ये भी इसी के दो भाग हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था कि अग्र मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया था, प्रमस्तिष्क और डायसेफेलॉन में, फिर डायसेफेलॉन को हमने पुनः दो भागों में बांटा था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। आइए अब हम देखते हैं कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस के क्या काम हैं और ये कहाँ उपस्थित हैं है ना। तो डाइसेफेलॉन में थैलेमस जो है वो दो गोलाकार संरचनाएं होती हैं जो दर्द, ठंड और गर्म को पहचानने का कार्य करती है। यानी थैलेमस का मुख्य काम क्या है, ये दर्द को महसूस करवाता है, ठंड और गर्म यानी ताप को पहचानने का कार्य करवाता है। इसके मुख्य कार्य क्या है, दर्द, ठंड और गर्म को पहचानने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये अंतरस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है, जैसे कि हमने पीछे देखा वहां पर पिट्यूटरी ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि दोनों दिखाई दे रही हैं। देखिए इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दिख रहा है आपको थैलेमस, ये बल्ब के समान गोलाकार संरचना जो दिखाई दे रही है ये है थैलेमस है ना, और इसके ही साथ यहाँ पे लाल रंग की जो संरचना छोटी सी दिखाई दे रही है ये है हाइपोथैलेमस, जो कि कहाँ उपस्थित है, इस सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क के नीचे की तरफ गोलाकार जो संरचना है ये क्या है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस यानी डाइसेफेलॉन है ना। अब आ जाए हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या काम करता है। तो देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है हाइपोथैलेमस, जो छोटा सा दिखाई दे रहा है थैलेमस के साथ में। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो मुख्य रूप से भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों है ना कि भावनाएं, भावना मतलब प्यार, घृणा है ना, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, भावनाओं में आएंगी। और भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण, भूख लगना, प्यास लगने पर हमको जो एहसास होता है वो, और ताप का नियंत्रण है ना, ये सब चीज़ें हाइपोथैलेमस के माध्यम से नियंत्रित की जाती हैं। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है बच्चों कि थैलेमस का क्या कार्य है और हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि थैलेमस का क्या काम है, दर्द,
ठंड और गर्म को पहचानने का काम करता है, साथ ही साथ अंतरस्रावी ग्रंथियों के निकलने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। और हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो भूख प्यास ताप के और प्यार घृणा आदि का नियंत्रण करता है। तो अभी हमने क्या क्या जान लिया बच्चों, हमने जान लिया मस्तिष्क क्या है और मस्तिष्क के अग्रभाग, और मस्तिष्क के अग्रभाग को पुनः जो दो भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम और दूसरा भाग डाइसेफेलॉन, तो डाइसेफेलॉन को पुनः दो भागों में बांटा गया था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब हम बात कर रहे हैं मस्तिष्क के मध्य भाग यानी दूसरे भाग, यहाँ जहाँ मैंने आपको बताया था मध्य मस्तिष्क जो यहाँ की खोपड़ी में यहाँ पर उपस्थित है, तो मध्य मस्तिष्क आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मिड ब्रेन, है ना। आपको यहाँ पर मिड ब्रेन दिखाई दे रहा है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है मिड ब्रेन, ये दिखाई दे रहा है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ एक दंडेनुमा संरचना जो आ रही है बाहर निकल रही है, ये है मिड ब्रेन, है ना। और इस मिड ब्रेन के नीचे आपको ये उभरी हुई संरचना दिखाई दे रही है, ये कहलाती है पॉन्स, और इसके नीचे और डंडेनुमा एक और संरचना दिखाई दे रही है जो आगे जाकर के स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाती है, उसे हम क्या कह रहे हैं मेजुला ऑब्लॉन्ग गेटा, यानी ये जो है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेजुला तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मतलब आपके खोपड़ी को आपके मेरु रज्जू से जोड़ने के लिए बनाने वाली संरचना, है ना। तो मध्य मस्तिष्क क्या है, तो यह मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है, यह दो भागों में यानी सेरिब्रम पेंडल और कारपोरा कैंड्री जेमिना का बना होता है। याद रखेंगे बच्चों मध्य मस्तिष्क भी पुनः दो भागों में बांट दिया गया है, पहला है सेरिब्रम पेंडल और दूसरा है कारपोरा कैंड्री जेमिना। अभी इसकी संरचना को हम आगे देखेंगे कि ये कहाँ पर है, अभी हमने आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताया कि मिड ब्रेन कहाँ उपस्थित है इस चित्र के माध्यम से। सेरिब्रम पेंडल जो है वो तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स को, सेरिब्रम कॉर्टेक्स मतलब इस जो हमने पढ़ा ना सेरिब्रम अग्रमस्तिष्क वाला भाग, है ना, सेरिब्रम कॉर्टेक्स इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है सेरिब्रम कॉर्टेक्स, इस सेरिब्रम कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरु रज्जु से जोड़ता है, यानी मध्य मस्तिष्क में पाया जाने वाला जो सेरिब्रम पेंडल है वो तंतुओं का बना हुआ होता है और उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये सेरिब्रम कॉर्टेक्स जो है उसको मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरु रज्जु से जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया ही कि ये पॉन्स है और ये मेडुला जो आगे जाकर के किससे जुड़ जा रहे हैं, मेरु रज्जु से जुड़ जा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं बच्चों कि मध्य मस्तिष्क जो है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कारपोरा कैंड्री जेमिना और सेरिब्रम का बना हुआ है, ठीक है। तो कारपोरा कैंड्री जेमिना का मुख्य काम क्या है, यह देखने और सुनने का केंद्र होता है, यानी हम जो देख रहे होते हैं और जो हम सुन रहे होते हैं उनका पूरा नियंत्रण जो होता है वो मध्य मस्तिष्क के कारपोरा कैंड्री जेमिना के माध्यम से होता है। और सेरिब्रम के माध्यम से क्या हो रहा है, सेरिब्रम के माध्यम से हो रहा है मेरु रज्जू को मस्तिष्क से जोड़ता है, जैसे कि हमने पीछे चित्र में देखा सेरिब्रम कॉर्टेक्स, सेरिब्रम कॉर्टेक्स जो है वो जुड़ जा रहा है, है ना, किसके कारण, सेरिब्रम पेंडल के कारण मस्तिष्क के अन्य भागों से, यानी मेरु रज्जू को मस्तिष्क से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सेरिब्रम पेंडल, ठीक है। चलिए तो अभी तक हमने क्या क्या जान लिया बच्चों, अग्र मस्तिष्क जान लिया, फिर मध्य मस्तिष्क जान लिया, मध्य मस्तिष्क के भी पुनः हमने दो भाग देखे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मध्य मस्तिष्क में ही जो आपका ये मेड्यूला, मेड्यूला के ऊपर पॉन्स, जैसे हमने पीछे भी बात की थी, ये PONS पॉन्स, ये देखिए इस चित्र में आपको ये उभार नुमा संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये क्या है पॉन्स, जो कि आपके मिड ब्रेन के नीचे, है ना, मेड्यूला के ठीक ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे जो है वो स्थित है, यानी मेड्यूला के ठीक ऊपर पॉन्स और मध्य मस्तिष्क उपस्थित होते हैं। मध्य मस्तिष्क के अग्र सिरे में धूसर द्रव्य यानी तरल पदार्थ पाया जाता है जो दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बटा हुआ होता है, जिसे कि हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, यानी यहाँ पर द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थैलेमस, है ना, और यहीं पर नीचे की तरफ मिलेगा आपको हाइपोथैलेमस, यानी क्या बात हो रही है यहाँ पर, मेड्यूला के ऊपर, ये रहा मेड्यूला, मेड्यूला के ऊपर पॉन्स और मध्य मस्तिष्क होते हैं, जो वाक्य लिखा है देखिए मेड्यूला, मेड्यूला के ऊपर पॉन्स और मध्य मस्तिष्क उपस्थित है, ये है मेड्यूला, उसके ऊपर है पॉन्स और उसके ऊपर है मध्य मस्तिष्क, और इन दोनों के ऊपर भी, है ना, दूसरा द्रव्य भरा हुआ पदार्थ पाया जा रहा है, उसको पुनः दो भागों में बांट दिया गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इनके क्या काम है ये तो हमने पूर्व में देख लिया है, है ना। तो मेडुला ऑब्लॉन्ग गेटा द्वारा परिसंचरण और श्वसन की क्रिया नियंत्रित होती है, ये आपको पूछा जाता है बच्चों कि मेडुला ऑब्लॉन्ग गेटा का मुख्य कार्य क्या है, तो मेडुला ऑब्लॉन्ग गेटा जो है, देखिए आपको चित्र में ये दिखाई दे रहा है मेडुला, है ना, जो कि आगे जाकर के स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जा रहा है, तो ये मेडुला जो है वो मुख्य रूप से परिसंचरण, हमने पढ़ा है रक्त परिसंचरण तंत्र, है ना, परिसंचरण यानी रक्त का प्रवाह और श्वसन
की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। और पोन्स क्या काम करता है, तो पोन्स भी श्वसन नियंत्रण में मदद करता है। पॉन्स भी क्या काम कर रहा है, श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है, है ना। और थैलेमस हमने पढ़ लिया है कि भूख जन संतुलन शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब आगे आए बच्चों, तो यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, कौन सा, पश्च मस्तिष्क, है ना। तो पश्च मस्तिष्क ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेरिब्रेरम, है ना। इसको क्या बोला जा रहा है, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा और पिछला भाग होता है। देखिए मस्तिष्क का ये पिछला वाला भाग है, सबसे छोटा तो मध्य मस्तिष्क होता है, लेकिन ये जो आपका पश्च मस्तिष्क होता है वो दूसरा बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग कौन होता है, अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम, है ना। और पश्च मस्तिष्क का सेरिब्रेरम क्या होता है, वो दूसरा बड़ा भाग होता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जो कि आपको प्रश्न पूछा जाता है दूसरा बड़ा भाग कौन सा है मस्तिष्क का, तो दूसरा बड़ा भाग कौन सा है, पश्च मस्तिष्क का सेरिब्रेरम। ठीक है, तो पश्च मस्तिष्क मैंने आपको पहले ही बताया, पश्च मस्तिष्क आपके सिर में पीछे की तरफ उपस्थित है, ये पीछे का हिस्सा जो है वो आपको क्या कहलाता है, पश्च मस्तिष्क, है ना। तो ये सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना हुआ होता है। सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है, संतुलन बनाए रखना, किसका, शरीर का, हमारे शरीर का संतुलन। जैसे हम चल रहे होते हैं, रस्सी पे चल रहे होते हैं, जमीन पे चल रहे होते हैं, हम या बैठ रहे होते हैं, तो हमारे शरीर का जो संतुलन है वो बनाए रखने का काम कौन करता है, सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है, पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रेलम जो होता है, वो शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर भी नियंत्रण करता है। यानी इसका एक कार्य और आपको पता चल गया कि ये शरीर के संतुलन के साथ साथ और क्या काम कर रहा है, हमारे शरीर के संतुलन के साथ साथ ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो ऐच्छिक पेशियां हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली पेशियां हैं, उनका संकुचन पर नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। देखिए अब दिख रहा है आपको मेडुला, ये मेडुला और क्या काम कर रहा है, तो रक्तदाब यानी रक्त का प्रेशर, जो रक्त बह रहा है हमारे शरीर में उसका दाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन, तो पाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत आपने पढ़ा था बच्चों कि वहां क्रमांकुंचन गति होती है, और इसी गति के कारण आहार जो होता है वो हमारे आहार नाल में आगे की तरफ गति करता है, है ना। ठीक है, तो और साथ ही साथ ये क्या काम करता है, तो हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। ओके बच्चों, कुछ तकनीकी डिस्टरबेंस के कारण कुछ देर के लिए क्लास डिस्टर्ब हुई, इसके लिए सॉरी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, है ना। तो पश्च मस्तिष्क, हम यहाँ पे पहुँचे थे, पश्च मस्तिष्क जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे छोटा मस्तिष्क होता है, है ना। और उसके बाद
इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनुमष्टि, जिसे कि हम सेरिब्रम कहते हैं, जो हमारे शरीर में क्या काम करता है, शरीर के बाहरी अंगों का नियंत्रण करता है, जैसे कि चलना फिरना, बोलना, खाना, मैंने अभी बताया, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। और दूसरा भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो क्या काम कर रहा है, शरीर के आंतरिक अंगों का नियंत्रण कर रहा है, जो कि जैसे आंतरिक अंग कौन कौन से हैं, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, है ना, श्वसन आदि, है ना। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि पश्च मस्तिष्क जो है वो पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनुमस्तिष्क, जिसे हम हिंदी में अनुमस्तिष्क कह रहे हैं, अंग्रेजी में हम सेरिब्रम कह रहे हैं, और दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिब्रम जो है वो क्या काम कर रहा है, बाहरी अंगों का नियंत्रण कर रहा है। बाहरी अंग मतलब चलना फिरना, है ना, हमने बात की ना, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण, चलना, खाना, बोलना, है ना, ये सबको नियंत्रित कर रहा है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो आंतरिक अंगों का, यानी यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों, सेरिब्रम बाहरी अंग, मेडुला ऑब्लोंगेटा आंतरिक अंग का नियंत्रण कर रहा है। अब आ जाएं मस्तिष्क के मुख्य भागों का कार्य। मस्तिष्क के जो मुख्य भाग हैं, मैंने अभी जितनी भी बातें बताई आपको, उन सब बातों को एक जिस्ट में इस स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश मैं कर रही हूं बच्चों, क्योंकि आपसे एक नंबर के और दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका कार्य खालिस्तान होता है, जैसे कि डायसेफेलॉन खालिस्तान प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस खालिस्तान प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो आपको इस स्लाइड के माध्यम से उन एक या दो नंबर के प्रश्नों की तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी, है ना। तो जैसे हम इन सब के बारे में पूर्व में बात कर चुके हैं, अग्र मस्तिष्क क्या है, जो अग्र मस्तिष्क जो है वो आपका सबसे मस्तिष्क का पहला वाला भाग है, जो क्या काम कर रहा है, गंध जानने, यानी घ्राण पिंड कहलाता है, जो गंध पहचानने का मुख्य रूप से कार्य करता है। प्रमस्तिष्क जो कि अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे कि हम सेरिब्रम कह रहे थे, जो कि सोचना, समझना, रोना, हंसना, है ना, इनकी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा था, जो चिंतन और मनन का भी कार्य कर रहा था। डायसेफेलॉन जो कि अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, वो क्या काम कर रहा है, नींद और जनन प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमने बात की थी, तो हमने बात की थी हाइपोथैलेमस जो कि क्या काम कर रहा है, भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण, ताप नियंत्रण इत्यादि को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। और हमने बात की थी थैलेमस की, तो थैलेमस क्या काम कर रहा था, हमको दर्द के बारे में बता रहा था, है ना। यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको इससे पहले बताया है, थैलेमस जो है हमारे शरीर में दर्द, है ना, के नियंत्रण को बताता है, यानी दर्द का जो हमको एहसास होता है उसके बारे में जानकारी हमको थैलेमस के माध्यम से होती है। फिर आ जाइए मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क जो होता है वो दृष्टि ज्ञान, है ना, दृश्य संवेदनाओं को हमारे तक पहुँचाता है, ठीक है। फिर आ जाइए अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क क्या होता है, ये मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, ये अनुमस्तिष्क नहीं है बच्चों, ये है अनुमस्तिष्क, है ना। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो क्या काम कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जिसमें कि आहार नाल का संकुचन, ग्रंथि स्त्राव, पाचन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा बच्चों कि मस्तिष्क क्या है और मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं और उन भागों के क्या क्या कार्य हैं। तो चलिए बच्चों, जितना कुछ भी हमने अभी जाना उसको एक वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। मेनली तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन, सेकंड मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन, तथा जो लास्ट है पश्च मस्तिष्क, जिसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट बात करते हैं फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क के बारे में। दोस्तों यहाँ पर फोर ब्रेन को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम मतलब हिंदी में जिसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है। देखिए सेरेब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा और डेवलप पार्ट है, जो दो हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, जिसको लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। दोनों हेमिस्फीयर जिस नर्व फाइबर से जुड़ा रहता है उसे कॉर्पस कैलोशम कहते हैं। सेल के जिस लेयर से सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करते हैं उसे सेरेब्रल कार्टेक्स कहते हैं, जो नर्व सेल्स का बना होता है और भूरे रंग का होता है, इसे ग्रे मैटर कहते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे का जो पार्ट होता है वो एक्सॉन से बना होता है और यह श्वेत रंग का होता है, जिसे व्हाइट मैटर कहते हैं। सेरेब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और इसी तरीके से राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। अब सेरेब्रम का कार्य क्या होता है, तो देखिए मेनली इसके तीन काम होते हैं। सेरेब्रम मानसिक काम, जैसे कि सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, योजना बनाना, याद रखना आदि करता है।
दूसरा यह हमारे शरीर में प्रेजेंट वॉल्यूटरी मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। सेरेब्रम आंख, कान, नाक इत्यादि से आने वाले जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको ग्रहण करता है और इस पर कार्रवाई करने का काम करता है। दोस्तों जिस व्यक्ति में सेरेब्रम छोटा होता है उस व्यक्ति का गायरस तथा सल्कस कम डेवलप होता है और वह व्यक्ति कम दिमाग का होता है, मतलब दिमाग से पैदल होता है। सेकंड हम बात करते हैं थैलेमस की। तो देखिए यह ग्रे मैटर से बना हुआ एक सिप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सेरेब्रम के जस्ट नीचे, मतलब थोड़ा सा नीचे उसके होता है। थैलेमस उन सेंसरी इम्पल्सिस के लिए ब्रॉडकास्ट स्टेशन का काम करता है जो सेरेब्रम को जाती है। दोस्तों यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, पहचानने का काम करता है। थर्ड हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो देखिए यह ब्रेन का वह पार्ट है जो थैलेमस के नीचे होता है, मतलब थैलेमस के भी ये नीचे होता है हाइपोथैलेमस। अब क्वेश्चन उठता है कि हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। तो देखिए हाइपोथैलेमस का काम जो होता है, जब भी आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है या फिर घृणा आता है, किसी पे प्यार आता है, जब आप इमोशन हो जाते हैं, तो इन सभी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। यह शरीर के टेम्परेचर और शरीर में पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। दोस्तों मिड ब्रेन जो होता है ना, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे मिसेंस फ्लोन कहा जाता है। मिड ब्रेन मेनली चार बॉडी से मिलकर बना होता है। इन बॉडी को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ऊपर के दो बॉडी टेक्टम और नीचे के बॉडी टेगमेंटम कहलाते हैं। दोस्तों टेक्टम देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तथा टेगमेंटम सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए अब हम थर्ड बात करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। तो देखिए दोस्तों हाइंड ब्रेन जो होता है ना, वो हमारे ब्रेन का सबसे पीछे का भाग होता है जो सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लॉगेटा से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेरेबेलम के बारे में। तो देखिए यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। अगर सेरेबेलम को बेस माने तो सेरेबेलम से यह नीचे की तरफ होता है। इसमें अनेक खांचे बने होते हैं। इसका कार्टेक्स भी ग्रे मैटर का बना होता है। सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखना और पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का काम करता है। सेकेंड हम बात करते हैं पॉन्स की। तो देखिए पॉन्स को मेटेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। पॉन्स श्वास को विनिमय करता है। पॉन्स हमारे रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉन्स में श्वसन केंद्र नामक एक संरचना होती है जो श्वसन के दौरान हवा की जो मात्रा होती है तथा श्वसन दर को कंट्रोल करने का काम करती है। थर्ड हम समझते हैं मेडुला ऑब्लॉगेटा को। यह हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लॉगेटा का जो मुख्य काम होता है वो लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट, आहार नाल तथा अनेक अनैच्छिक जो कार्य होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है। यह सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है जिसको मायलेंसेफेलॉन भी कहा जाता है। दोस्तों हमारा ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लॉगेटा से मिलके बना होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्रेन के जो मुख्य कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए ब्रेन शरीर के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट और सांस लेने की जो क्रिया होती है ना उसको सामान्य रखने की कोशिश करता है। वह शरीर के जितने भी अंग होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ब्रेन अलग अलग सेंस ऑर्गन की मदद से देखकर, छूकर और चखकर हमें अपने आसपास होने वाले जितने भी क्रियाएं होती हैं उनको बताता है और समझाता है। हमारा मस्तिष्क शरीर में होने वाले हर हलचल को कंट्रोल करता है और हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। तो बच्चों आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग थे और उन भागों के और कौन कौन से भाग हैं जो और वो क्या क्या कार्य करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मस्तिष्क और मस्तिष्क से संबंधित जो संरचना और उनके कार्य के बारे में स्पष्टता बनने में मदद मिली होगी।
चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं। चूंकि हमने बात की थी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से पहला भाग है मस्तिष्क, और हमने मस्तिष्क के बारे में तो देखा, मस्तिष्क की संरचना उसके कार्यों के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दूसरे हिस्से मेरुरज्जू पे। आप सभी जानते हैं मेरुरज्जू क्या है, जिसे कि हम हिंदी में कशेरुक दंड भी कहते हैं और अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये कहाँ स्थित है, तो आपके सर के पीछे की तरफ, ये गर्दन से लेकर के आपके कूल्हे तक जो हड्डी उपस्थित है उसे हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जू, है ना। और ये जो मेरुरज्जू है वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक अहम भाग है, यानी हमारे तंत्रिका तंत्र का एक अहम भाग है, है ना। और ये हमारे बहुत सारी क्रियात्मक गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जू से मिलकर बना होता है। ये जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो हमारे संपूर्ण शरीर की क्रियाविधियों, ठीक है, और तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, यानी तंत्रिकी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। और हमने पिछली क्लासेस में और भी दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र के बारे में जाना था, एक था परिधि तंत्रिका तंत्र, है ना, और दूसरा था स्वायत्त यानी ऑटो नर्वस सिस्टम। तो अभी हम बात करते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र की। तो परिधि तंत्रिका तंत्र क्या है, तो परिधि तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका और मेरुरज्जू से निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। आपको मेरी पूर्व की क्लास में अगर याद हो बच्चों, तो हमने बात की थी कि मेरुरज्जू और मस्तिष्क को छोड़कर आपके शरीर में नशों के समान जो फैला हुआ जाल होता है उसे हम परिधि तंत्रिका तंत्र कहते हैं, है ना। तो ये परिधि तंत्रिका तंत्र जो है वो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका और मेरुरज्जू से निकलने वाली तंत्रिकाओं दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, और ये पूरे तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में फैले हुए होते हैं, है ना। तो मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो कितने जोड़ी में होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, जो कि कपाल तंत्रिकाएं कहलाती हैं, क्योंकि ये कहां से निकल रही हैं, मस्तिष्क से निकल रही हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, कपाल तंत्रिका कह रहे हैं, है ना। और जो मेरुरज्जू से निकल रही हैं, मेरुरज्जू से निकलने वाली 33 जोड़ियां 33 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो कशेरुक तंत्रिकाएं कहलाती हैं। इसको हम कशेरुक तंत्रिका क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तंत्रिकाएं मेरुरज्जू यानी कशेरुक दंड से निकल रही हैं, इसलिए इसको हम कशेरुक तंत्रिकाएं कह रहे हैं, जो कितने होती हैं जोड़ी में, 33 जोड़ी में होती है। बेडिला ऑफ लॉन्ग गेटा का जो पिछला हिस्सा होता है वो मेरुरज्जू बनाता है। हमने पूर्व में देखा, जब हमने मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि मेडुला ऑफ लॉन्ग गेटा जो है वो आगे जाकर के मेरुरज्जू बनाता है, है ना। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये मस्तिष्क आपको दिख रहा है, मस्तिष्क का ये फूला हुआ हिस्सा जो यहीं पर आपका मेडुला ऑफ लॉन्ग गेटा है, जो आगे जाकर के क्या बना रहा है, मेरुरज्जू यानी स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है, है ना। मेरुरज्जू के चारों ओर भी डायामीटर, अरेथनॉइड और पायामीटर का आवरण पाया जाता है। ये तीनों आवरण भी आपके कपाल में पाए जा रहे थे, हमने बात की थी अभी, है ना। तो ठीक जैसे कि आपके कपाल यानी आपके क्रेनियम में वो झिल्ली पाई जा रही है, उसके तीन आवरण पाए जा रहे थे, ठीक उसी तरीके से आपके मेरुरज्जू में भी ये तीनों जो स्तर हैं, ड्यूरामीटर, अरेथनॉइड मैटर और पायामीटर, तीनों पाए जाते हैं। और आपको मैं संरचना की बात बता दूं बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा मेरुरज्जू जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों के आपस में जुड़ने से बना हुआ है, और इस कशेरुक दंड को अगर आप देखेंगे तो इसको मुख्य रूप से इतने भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है सर्वाइकल, जो आप देखते हैं आपका जहाँ गर्दन जो है वो आपकी जो धड़ और आपका जो गर्दन जो आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, जहाँ से आपकी मेरुरज्जू स्टार्ट होती है वहाँ पर देखिए आपको एक हल्का सा गड्ढानुमा संरचना, देखिए पीठ के पास आपको यहाँ पर गर्दन में यहाँ पर आपको हल्का सा एक गड्ढानुमा महसूस होता है, ये गड्ढानुमा जो हिस्सा है वो कहलाता है सर्वाइकल, जो आपका गर्दन वाला हिस्सा है। आपने सुना होगा सर्वाइकल पेन होता है, है ना। सर्वाइकल पेन मतलब उस व्यक्ति के इस वाले हिस्से में क्या होता है, उसको दर्द होता है, इसलिए इसको सर्वाइकल पेन कहा जाता है। अब सर्वाइकल के बाद आ जाइए थोरेसिक, थोरेसिक जो होता है वो क्या है, तो थोरेसिक जो है वो आपके सर्वाइकल के नीचे पाया जाएगा, जो आपका पीठ वाला हिस्सा है। उसके बाद है लंबर, लंबर के बाद है स्केरल, है ना। और आप देखते हैं आपके पेट के नीचे कुल्हों के पास भी आपकी जो रीढ़ की मेरुरज्जू की हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, आकर के खत्म होती हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से इस प्रकार से पांच भागों में इसको बांटा गया है। अब हम बात करें कि मेरुरज्जू जो है वो बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ तल पर चपटी होती है। ये आपको चित्र जो दिखाई दे रहा है, ये चित्र जो है इस मेरुरज्जू का अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ आप सभी जानते होंगे बच्चों, जिसे कि हम ट्रांसवर्स सेक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब जिसको हम लोगों ने इस तरह से काटा हो, है ना। तो जब मेरुरज्जू के ट्रांसवर्स सेक्शन को आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, ये एक बेलनाकार खोखला पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ दो सतहों में बटा हुआ और चपटा दिखाई देता है।
इसकी दोनों सतहों पर एक एक खांच पाई जाती है, जिसे कि हम डॉर्सल या वेंट्रल कहते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉर्सल और वेंट्रल दिखाई देते हैं। ये देखिए आपको ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा चित्र जो है ये आपका मेरुरज्जू का यानी स्पाइनल कॉर्ड का है ना। और इसके बीचों बीच आपको ये बीच में केंद्र के समान संरचना दिखाई दे रही है, जिसे कि हम केंद्रीय नाल कहते हैं। ये केंद्रीय नाल क्या है, तो मेरुरज्जू के मध्य में सकरी नाल पाई जाती है। नाल मतलब एक नली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे कि हम जिसे यहाँ पर केंद्रीय नाल कह रहे हैं। और इसमें क्या द्रव्य भरा हुआ है, तो इसमें एक द्रव्य के समान पदार्थ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है धूसा द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, जिसे कि हम सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड कहते हैं या सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य कहते हैं। तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, देखिए ये धूसर द्रव्य लिखा हुआ है, ये है इसका केंद्रीय नाल। केंद्रीय नाल के चारों ओर धूसर द्रव्य उपस्थित हैं और इसके पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ सतह भी आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। तो ये था आपका मेरुरज्जू और मेरुरज्जू की संरचना और उसके कार्य। अब हम बात करते हैं गृह कार्य की। तो हम लोगों ने अभी तक बात की है मानव मस्तिष्क और उसकी संरचना के बारे में, तो मानव मस्तिष्क का चित्र बनाकर उसकी संरचना को आपको समझाना है। दूसरा, प्रमस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखना और उसके कार्यों को लिखना है। तीसरा, मेरुरज्जु का चित्र बनाकर उसके कार्यों को लिखना है। और साथ ही साथ चौथा है, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क के कार्य लिखें। बच्चों, मैंने यहाँ पर तो आपको बहुत बड़े बड़े प्रश्न दिए हैं, लेकिन इस चैप्टर से बहुत सारे छोटे छोटे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको इस क्लास के दौरान आपसे बात की है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप सभी बच्चों को एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए भी, और इस कठिन अवधारणा, आप सभी लोगों को मस्तिष्क की संरचना जो है वो कठिन लगती है, मुझे पता है ना। तो इन कठिन अवधारणा को समझने में या सरलीकृत करने में मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको मदद की होगी। और आप सभी मेरी इस क्लास में बने रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।